आता सगळी परगडला ना, चला वाढ दाखवा. अभी हम जा रहे हैं पारगढ़, हमारी पूरी गैंग जिम की. ये आप सामने रोड देख सकते हैं, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. यहाँ सामने जो देख रहे हैं ना आप, पूरा पारगढ़ ही है. अभी हम पहुंच चुके हैं पारगढ़ के नीचे. पूरी गैंग यहाँ पर पहुंची गई है. ये हमारे बाइक रहे, यहाँ पर लगाया हमने. अभी तकरीबन 300 स्टेप्स है पूरा गढ़ चढ़ने के लिए. और इस गढ़ की ऊंचाई समुंदर के लेवल से 2980 फीट के है. तो अभी ऊपर जाके बाकी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ. जय शिवराय. अभी हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं. एक अच्छी बात है कि सब जगह डस्टबिन्स रखे गए हैं यूज़ नहीं करके. नीचे भी था, यहाँ भी था. जैसे ही थोड़ा ही ऊपर आते हैं, ये एंट्रेंस दिख रहा है, ये लगता है अभी बांधा गया है. दो तोफ है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर दिखता है. जैसे ही आप गढ़ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर शिवकालीन तोफ दिखाई देते हैं आपको. ये हिंदू धर्म का पवित्र भगवा ध्वज. यहाँ से आप एंट्री होते हैं, यहाँ पर शिवकालीन तोफ है. और ये रहा हनुमान मंदिर. ये मंदिर भी शिवकालीन ही है. इसका जनोद्धार किया गया है. अभी ये मंदिर आजू बाजू से बांधा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये वाला तुलसी कट्टा है, शंकर पिंडी भी है नीचे. कितना बड़ा है देखिए, पूरा पत्थर में बनाया गया है. गढ़ के आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ. ये गढ़ बांधा गया था 1600 के दशक में. छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये गढ़ बांधा था. ये गढ़ बराबर गोवा के बाउंड्री पर बैठा गया है. ये गढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसलिए बांधा था कि यहाँ पर से गोवा के पोर्चुगीज पर बहुत नज़र रखने के लिए ये गढ़ उपयोग था. क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि ये पोर्चुगीज़ एक जहरीले सांप है जो हिंदुस्तान को डसने वाले हैं, तो इसलिए ये गढ़ बांधा गया था. जब ये गढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बांधा था, यहाँ पर वो तकरीबन थोड़े दिन के लिए रहने के लिए थे. और यहाँ पर उन्होंने अपने मावलों को कहा था कि गढ़ कभी भी लड़ता रहना चाहिए, कभी भी हारना नहीं चाहिए. और इस गढ़ की एक खास बात है कि ये गढ़ कभी हारा नहीं, अजिंक्य गढ़ है ये. और सबको पता रहना चाहिए, शूरवीर तानाजी मालुसरे, जिसने भी मूवी देखा उनको पता चलेगा, उनके बेटे इस गढ़ के पहले किलेदार थे. उन्होंने ही गढ़ के पहले किलेदार की पहुँच संभाली थी यहाँ पर. और ये गढ़ अजिंक्य था. इस गढ़ पर एक बार शहजादा आजम औरंगजेब का बेटा, इसने चढ़ाई की थी, लेकिन वो भी जीत नहीं पाया इस गढ़ को. और फिर आगे जाके उसने बेळगाव को जीत के लिया. इसलिए औरंगजेब ने खुश होकर बेळगाव का नामकरण कर दिया और उसको बेळगाव से निकाल के उसको आजम नगर कर दिया. फिर बाद में मराठों ने फिर से जीता, उसको फिर से बेळगाव किया. तो ये इस गढ़ की बहुत ही खासियत है कि ये गढ़ कभी हारा नहीं था. जाके दम है तो पकड़. अरे रे 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 रे. अब जब गढ़ पर आओगे तो ऐसे छोटे मोटे घर आपको बहुत मिलेंगे. तो वो घर बेसिकली, मैंने सुना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जिन लोगों को गढ़ की देखरेख करने के लिए रखा गया था, उनके अभी तक वंशज यहाँ पर ही है और वो यहाँ पर ही स्थानिक रहते हैं. जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बैठी है, यहाँ पर पहले राज दरबार बैठता था. हाँ, छोटा महादेव मंदिर है.
तुम्ही आता किती वर्ष इथे राहता? गडावरतीस? अभिमान छान येतो बघून. ये जो आप मेरे आजू बाजू में देख रहे हैं, ये भवानी मंदिर है. ये भी शिवकालीन है, लेकिन उस मंदिर को है वैसा रख के उसके बाजू में उसको अभी बड़ा किया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर.